अपने आप को भी मैं अगर कुछ सुनता था मेरे इंटरव्यूस या मैं या देखता था, मैं जैसे किसी को बोला हो तो मुझे दुख होता था कि मैं अगर वो पढ़ भी रहा हो या देख रहा हो तो मुझे खुद मतलब अलग सा फील होता था कि यार मैं ऐसे क्या बोल दिया और मेरे साथ ऐसे क्या हुआ। तो क्योंकि ट्रेनिंग, मेरी एथलीट कभी भी ट्रेनिंग के बिना नहीं बोलता है और मैं ट्रेनिंग के हिसाब से बोला था या मेरे कोचेस ने बोला था या सबकी जो उम्मीद थी, तो मैं काफ़ी नाराज़ था। लेकिन यहाँ यही सोच के आया था कि मुझे ये प्रूव करना है, यहाँ पे भी कैनेडियंस एथलीट है और मुझे उनको बीट करना है और मुझे प्रूव करना है कि नहीं, मैं हम भी इंडियंस भी कैपेबल है, हम भी जीत सकते हैं अफ्रीकन्स या कैनेडियंस के साथ। और मैं काफ़ी खुशी हो रही है इसमें, हमारे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, साई ने और टॉप्स ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे ट्रेनिंग एक्सपोजर दिया है और मुझे इस ट्रेनिंग एक्सपोजर से मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं कि मैं नहीं कर सकता या हम नहीं कर सकते, हर कोई इंडियंस कर सकता है। हम वर्ल्ड लेवल में ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसमें हम मेडल नहीं जीत सकते, ये सिर्फ हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आसान है और डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमारा हर इवेंट में मेडल होगा जहाँ हम सोचते भी नहीं जिस इवेंट में मेडल आएगा। एक दिन में दो रेस भागना कितना मुश्किल होता है, 3000 फिर 5000? नहीं देखो, हमने ट्रेनिंग उसी हिसाब से की है तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होगा हमारे लिए। हमने जो ट्रेनिंग की है तो हम पहले से ही पता था कि ऐसे करना है, तो ट्रेनिंग के हिसाब से हमने उसी हिसाब से प्रिपरेशन किया, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मुश्किल है। तो देखो जो भी होगा हम अपना बेस्ट देने के लिए कोशिश करेंगे। और देखो हमें आर्मी ने सिखाया है कि भी हैंड अप नहीं करना, आपने लड़ना है, तो मुझे लड़ना है और जो भी होगा रिजल्ट वो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे ये है कि खेलना है। और एक आज देखा कि आपने पूरा कैनियंस के साथ ही आप कंटिन्यूस थे उनके पीछे और फिर जब वक्त आया तब एकदम आपने जंप करके ये कर लिया, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसा रेस आपने आज प्लान किया था? नहीं, मेरा टारगेट था कि मैं कैनियंस को बीट करना है तभी तो मैं मेडल जीत पाऊँगा और मैं यही सोच के जा रहा था और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर पाऊँगा। मेरी जो ट्रेनिंग थी उसके हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर पाऊँगा और अच्छा हुआ, बस थोड़ा सा लास्ट लैप में थोड़ा सा मैं नहीं कर पाया, पुल नहीं कर पाया। चलो लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट रेस में मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा और थैंक यू।